हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ रामबाबू शर्मा। आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत है। जय श्री राधे कृष्णा। देखिए बच्चों, मैट्रिमोनियल्स और अकोमोडेशन हमने पढ़ लिए हैं, दो विज्ञापन हो चुके हैं। अब उन दो के बाद तीसरा विज्ञापन होता है अपने सेल एंड परचेज, जिसके बारे में हम अभी पढ़ाई करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इस तरह के विज्ञापन कब निकाले जाते हैं, किस सिचुएशन में निकाले जाते हैं? तो देखिए, जब कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड पर्सन अपने पास किसी भी उपलब्ध कोई भी घर, कोई फ्लैट हो या फिर कोई साधन हो आदि को खरीदने व बेचने के संबंध में ऐसे विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो देखिए, इनमें साधन के बारे में अलग पढ़ना पड़ता है, जैसे मकान, फ्लैट, इनके बारे में अलग पढ़ना पड़ता है। तो दोनों का बिल्कुल अलग तरीका होता है। तो दोनों के ही आपको शब्द सीखने पड़ेंगे। एडजेक्टिव्स मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन एक बार हिंदी में आप यहाँ से नोट भी कर लीजिए और मैं बोलता भी रहता हूँ। देखो, इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी मकान दुकान या कोई साधन को खरीदने व बेचने के संबंध में निकाले जाते हैं। यानी बच्चों, इस प्रकार के विज्ञापन किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपना कोई मकान, फ्लैट, दुकान या फिर कोई साधन हो तो आदि को खरीदने व बेचने के संबंध में इस प्रकार के विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसके बारे में आप देखिए, इसके शब्दों के बारे में कि भाई कोई रहने की जगह जैसे फ्लैट मकान खरीदेंगे बेचेंगे तो उनके लिए कैसे विज्ञापन निकाले। कोई साधन की बात है, साधन को खरीदना बेचना है तो उसका विज्ञापन कैसे निकालेंगे। देखिए, फॉर एनी हाउस फ्लैट किसी भी घर या फ्लैट को खरीदना बेचना हो तो किस तरह से शब्दों का यूज करना है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें भी क्या होता है, देखिए जब आप कोई वस्तु बेचना चाहते हैं तो इसका मतलब आपके पास उपलब्ध है। जब भी बेच रहे हैं आप किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, मतलब आपको आवश्यकता है, चाहिए वो, तो ठीक अकोमोडेशन की तरह जैसे कि आपको बताया गया था कि उसका ही मिलता जुलता रूप है, बस इसमें खरीदा बेचा जाता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। तो अगर अपन बेच रहे हैं तो स्टार्टिंग करेंगे अवेलेबल से, खरीद रहे हैं तो स्टार्टिंग करेंगे वांटेड से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अवेलेबल या वांटेड, सबसे पहले अवेलेबल या वांटेड दोनों में से कोई भी एक शब्द आपको यहां पर लिखना है। अवेलेबल वांटेड के बाद में ए या टू, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। अभी घर के बारे में बता रहे हैं तो घरों के बारे में वेल फर्निश्ड, वेल बिल्ट, न्यूली पेंटेड, इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो यहां पर आ जाएंगे एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषता दर्शाने वाले शब्द। अब विशेषता दर्शाने वाले शब्दों में आप यूज कर देंगे, इसमें देखिए जैसे कि वेल फर्निश्ड, न्यूली बिल्ट,
न्यूली पेंटेड, तो इनमें से किसी भी शब्द का आप यूज कर सकते हैं जिससे मतलब ऐसा लगे खरीदने बेचने वाले को भी कि भाई सही वस्तु है ये। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको लिखना है भाई हाउस खरीदना बेचना है या फ्लैट खरीदना बेचना है या शॉप खरीदनी बेचनी है, इन तीनों में से किसी भी एक चीज के बारे में लिखना है जिसको आपको खरीदना या बेचना है। अब यहाँ पर ऑफ वर्ड का यूज करना है, ऑफ वर्ड का यूज करके फिर इनका डिवाइडेशन करना है भाई हाउस है हाउस ऑफ थ्री बेडरूम्स ए हॉल, फ्लैट ऑफ थ्री बेडरूम्स ए हॉल ए कॉरिडोर। तो इस तरह से ऑफ वर्ड का प्रयोग करके इसके आगे का मैटर आपको लिखना है। तो ऑफ, अब इसके बाद में कमरों की संख्या हॉल वगैरह इन सब के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, जैसे कि नंबर ऑफ रूम्स, इसके अलावा हॉल जैसे कॉरिडोर यानी बरामदा। तो कमरों की संख्या हॉल के बारे में बरामदे के बारे में ऑफ का प्रयोग करके अपन लिख देंगे। अब इसके बाद में क्या करना है बच्चों आपको, इसके बाद में विद वर्ड का प्रयोग करना है। विद वर्ड का प्रयोग करके जो आपके बेसिक एमिनिटीज है उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। अब बेसिक एमिनिटीज बोले तो क्या होती है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपके देखो लाइट बाथ किचन, तो इसको आप इस तरह से बेसिक फैसिलिटीज भी लिख सकते हैं। तो आपको इनमें ध्यान रखना है कि बेसिक फैसिलिटीज में लेट बाथ किचन का यूज किया जाएगा, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हर एक व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो उसको जरूरत होती है इनकी। तो बेसिक फैसिलिटीज, उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी पानी और बिजली की आपूर्ति जो रहेगी वो क्या रहेगी, 24 घंटे रहेगी या कम रहेगी, इसके बारे में बताना है। उसके बाद में एट वर्ड का प्रयोग करके, उसके बाद में एट वर्ड का प्रयोग करके आपको स्थान का नाम देना है कि कहां पर ये वस्तु है जिसे आप खरीदना और बेचना चाहते हैं। तो एट के बाद में यहाँ पर आ गया है प्लेस नेम यानी कि स्थान का नाम। अब स्थान का नाम आने के बाद आप इसमें अदर फैसिलिटीज के बारे में भी लिखेंगे। तो अदर फैसिलिटीज ये हो गई। अब अदर फैसिलिटीज में क्या क्या लिखना है, अब अदर फैसिलिटीज में आपको लिखना है देखो खरीदते बेचते हैं तो उसमें आप स्विमिंग पूल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो बच्चों स्विमिंग पूल के अलावा क्या यूज करना है आपको, जैसे कि कार पार्किंग, कार पार्किंग के अलावा जैसे कि ओपन स्पेस के बारे में लिख सकते हैं यानी घर के बाहर खुला स्थान है, या फिर बालकनी के बारे में लिख सकते हैं। यानी कि देखिए बच्चों एक मंजिल का फ्लैट है या मकान है तो उसमें ओपन स्पेस होता है घर के बाहर, लेकिन एक मंजिल के ऊपर दूसरा मकान आ गया तो उससे बाहर ओपन स्पेस नहीं होता बल्कि बालकनी होती है। तो एक मंजिल से ऊपर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें ओपन स्पेस आउटसाइड द हाउस नहीं, बालकनी अराउंड द फ्लैट या बालकनी अराउंड द हाउस लिखना है। एक मंजिल से ऊपर होगा जब। इसके अलावा जैसे आप इसमें लिख सकते हैं नियर टू मेन रोड यानी मुख्य सड़क के नजदीक है ये लोकेशन, कि भाई ये लोकेशन मुख्य सड़क के नजदीक है, कोई भी लैंडमार्क बता सकते हैं कि भाई इस जगह के पास में है, जैसे मान लीजिए नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के पास, तो ये लैंडमार्क हो जाता है। इसके बाद में आपको लिखना है प्राइस,
प्राइस मतलब क्या कीमत आप इसकी लेना चाहते हैं, क्या कीमत आप इसकी देना चाहते हैं। तो दोनों में से कुछ भी आपको यहाँ पर एक लिखना है के बारे में, प्राइस के बारे में बाद में आपके यहाँ पर यूज करना है डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि देखिए बच्चों, कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे तो जमीन जायदाद मकान के कागजात देने भी पड़ते हैं, लेने भी पड़ते हैं। भाई खरीदेंगे तो लेंगे और बेचेंगे तो कागजात देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स इसमें जरूरी होता है जो अकोमोडेशन में जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर आके अपना विज्ञापन समाप्त होता है। अब इसमें वो कोई इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग की लाइन भी नहीं लिखनी है, क्योंकि ये तो खरीद रहे बेच रहे हैं, तो किराया लेना और किराया देना इसमें काम नहीं आएगा। तब इसके नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस बार तैयार करनी है खुद की। भाई किस तरह से आप इसमें एड्रेस लिखोगे, लास्ट में एड्रेस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद में अपन को पढ़ना है देखो बच्चों साधन के बारे में। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, फॉर एनी व्हीकल, फॉर एनी व्हीकल किसी भी साधन के लिए किन एडजेक्टिव्स का यूज करना है वो देखिए। तो इसमें वही देखो, शुरू में तो अवेलेबल या वांटेड दोनों में से कोई भी एक शब्द आपको लिखना है। भाई आप भी साधन खरीदना, सेल परचेज करना हो तो भी अवेलेबल वांटेड, कोई भी हाउस प्लेट या कोई शॉप या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी हो तो भी अवेलेबल और वांटेड में से किसी एक वर्ड का यूज करना है। तो यहाँ पर लिख दिया अवेलेबल, यानी आपको कोई साधन बेचना है तो आपके पास उपलब्ध है अवेलेबल, और कुछ खरीदना है कोई व्हीकल तो आपको आवश्यकता है मतलब वांटेड। इसके बाद में ए या टू में से किसी भी एक शब्द का यूज करना है, मतलब एक साधन उपलब्ध है या दो साधन उपलब्ध है तो दोनों में से कोई भी एक शब्द यूज करना है। इसके बाद में आपको यहां लिखना पड़ता है मॉडल नेम, इसके बाद में आपको लिखना पड़ता है मॉडल नेम, जैसे कि अवेलेबल ए मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। इसके बाद आपको यहां लिखना है कलर, कलर मतलब साधन का कलर क्या रहेगा, क्या है उसका। इसके बाद में मॉडल नंबर लिखना है। अब मॉडल नंबर बोले तो मॉडल नेम तो होता है साधन का नाम, और मॉडल नंबर होता है कौन से सन में वो परचेज की गई। तो मॉडल नंबर में आपको ये बताना है। इसके बाद में विद वर्ड का प्रयोग करके, विद वर्ड का प्रयोग करके जैसे कोई कार बस ये वगैरह ये सब खरीद रहे हैं तो उनमें एसी एंड गैस्केट, तो इनके बारे में बताना है, एसी और गैस किट के बारे में भी लिखना है। लेकिन अगर जैसे बाइक हो तो उसमें इस शब्द का यूज नहीं होगा, कार है तो आप इसमें एसी और गैस किट का यूज करें। इसके बाद में आपको लिखना है रनिंग किलोमीटर्स, रनिंग किलोमीटर्स मतलब अब तक कितने किलोमीटर चली हुई है उस बारे में लिखना है। इसके बाद विद का प्रयोग करके और टायर्स के बारे में बताना है। टायर्स मतलब साधन में नए लगे हुए हैं या पुराने लगे हुए हैं। आप भी जानते हैं बच्चों, किसी का सेकंड हैंड साधन भी खरीदते हैं तो मेन चीज उसमें टायर देखी जाती है। अगर टायर कमजोर है तो उस साधन को खरीदा नहीं जाता है, क्योंकि टायर का खर्चा भी होता है। तो यहाँ पर टायर्स के बारे में बताना है। जब आप बेचोगे किसी साधन को तो आप फिक्स बता दोगे कि भाई मेरी कार में MRF के टायर लगे हुए हैं, लेकिन जब आप खरीदना चाहोगे ना तो तब कंडीशन नहीं दे सकते ऐसे कि भाई मुझे तो मतलब ऐसी कार चाहिए जिसमें चारों MRF के टायर लगे हो।
अब मान लीजिए कोई बेचने वाला है, बेचना चाहता है कार को, और उसके MRF के टायर नहीं, C8 के टायर लगे हुए हैं, तो खरीदेंगे ना, तब ऑप्शन दे दिया जाता है भाई MRF, C8, अपोलो, किसी के भी टायर लगे हों। बेचते हैं जब मॉडल नंबर भी अपन बता देते हैं कि भाई 2012 की खरीदी हुई है, 2014 की खरीदी हुई है, लेकिन जब खरीदेंगे तो तब अपन ये नहीं कहेंगे फिक्स कि भाई मुझे तो 2012 की ही चाहिए, तो उसमें अंदाजा दे दो जैसे 2012 से 14 के बीच में कभी का भी मॉडल हो। तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इसके बाद टायर्स के बाद में कंडीशन, टायर्स के बाद में बच्चों लिखना आपको कंडीशन के बारे में कि भाई साधन की कंडीशन कैसी है, चलने की स्थिति कैसी है उसकी, तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद प्राइस के बारे में लिखना है, प्राइस मतलब साधन की कीमत क्या रहेगी, और लास्ट में आ जाएगा इसमें डॉक्यूमेंट्स, लास्ट में आ जाएगा बच्चों इसमें डॉक्यूमेंट्स, कागजात, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, बेचेंगे तो देंगे कागजात, खरीदेंगे तो लेंगे कागजात, बिना कागजातों के अगर आप गलती करते हैं ऐसी तो पुलिस के द्वारा भी तो पकड़ा जा सकता है, कहां से दिखाएंगे कागज, तो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। इस तरह यहां पर ये विज्ञापन खत्म होता है, और इसके बाद नीचे अपना एड्रेस बार यूज किया जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, बाप इसे लिख लो, ये साधन के बारे में हो गया, साधन खरीदना बेचना। तो आपको देखो क्या करना है, इन शब्दों को क्रम वाइज याद कर लीजिए, इसके बाद में मैं आपको 100% गारंटी देता हूं ये शब्द याद हैं तो आप आराम से विज्ञापन बिल्कुल करेक्ट बना सकते हैं, 4x4 मार्किंग कर सकते हैं इसे। लिख लीजिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम किसी भी मकान के बारे में देख लेते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी पर्सन है, जैसे मुकेश कुमार, तो ये मुकेश कुमार है बच्चों, ये क्या चाहता है, इसके पास देखिए एक फ्लैट है, ठीक है बच्चों, अब वो फ्लैट क्या है, 3 BHK। अब BHK क्या होता है, देखिए 3 BHK मतलब 3 बेडरूम हॉल किचन, फिर अलग से अपन को सिर्फ लेट और बात बताना है, क्योंकि किचन तो इसी में आ गया, तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, जैसे अवेलेबल है 3 BHK फ्लैट विद अटैच्ड लेट बाथ एंड किचन, या फिर दूसरा तरीका अवेलेबल है वेल फर्निश्ड फ्लैट ऑफ 3 बेडरूम्स ए हॉल ए किचन विद 3 बेडरूम्स ए हॉल विद सेपरेट या अटैच्ड लेट बाथ और किचन। तो ऑफ का प्रयोग करके तो आप अलग से लिख देंगे लेट बाथ किचन, लेकिन BHK का प्रयोग करोगे तो किचन इसी में आ गया, तो अब बाद में अलग से आपको लेट और बाथ लिखना है। तो 3 BHK फ्लैट है, इसको ये कैंडिडेट बेचना चाहता है, क्या चाहता है, वांट टू सेल, यानी कि बेचना चाहता है। अब बेचना चाहता है तो ये कितने तक बेचना चाहता है, अप टू यानी लगभग 30 लाख, यानी कि 30 लाख रुपए तक इस फ्लैट को ये बेचना चाहता है। अब इसकी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो, कोई भी बना के, तो यहाँ लोकेशन हो जाएगी, तो इसी वजह से कैंडिडेट विज्ञापन निकालेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, मुकेश कुमार है, ये अपना 3 BHK फ्लैट बेचना चाहता है 30 लाख रुपए में, जो कि उस जगह पर स्थित है, मतलब जगह कोई भी मान लेंगे अपन, तो इसके लिए विज्ञापन निकालना है, तो इस विज्ञापन को अपन बनाते हैं, और इसके बाद में फिर साधन वाले विज्ञापन के बारे में भी पढ़ते हैं।
इस तरह से वही लाइनिंग तो होगी। अब ये लाइनिंग दो तरह से बनानी है, सबसे पहले तो इस तरह से तीसरा बॉक्स, तीसरी लाइन आपके बन जाएगी है, जिससे बॉक्स तैयार हो जाएगा, जिसमें आप हेडिंग लिख सकते हैं। अब ये विज्ञापन अपन बना रहे हैं बेचने के लिए। अब बेचने के लिए बना रहे हैं तो हेडिंग किसका यूज करेंगे, तो हेडिंग इसमें यूज होगी फॉर सेल। हेडिंग इसमें क्या यूज होगी बच्चों, फॉर सेल। अब फॉर सेल हेडिंग यूज हो गई इसमें, और इसके बाद में फिर आप इधर लाइन बना देंगे, और जो एक्स्ट्रा है इसको हटा देंगे। अब मुझे लगता है थोड़ा गैप उधर ज्यादा हो गया, तो मैं इस लाइन को हटा के और थोड़ा इधर बढ़ा देता हूं इसको। ये हो गया। अब फॉर सेल वाला विज्ञापन है बच्चों ये, अब इसको बनाते हैं। तो देखो फॉर सेल यानी बेचना है। अब बेचना है तो आप शुरुआत किस वर्ड से कर देंगे, तो शुरुआत बच्चों अपन कर देंगे अवेलेबल वर्ड से। अवेलेबल आपके पास सारे शब्द लिखे हुए हैं, उनसे आप इनको मैच कर लिया कीजिए, जिनसे क्या बनाने में आसानी होती है, और क्रमवाइज विज्ञापन आपका चलता रहता है। तो अवेलेबल, उसके बाद में ए या टू में से किसी का प्रयोग करना है। यहां पर एक फ्लैट बेचना है तो ए का यूज करेंगे, अवेलेबल ए। इसके बाद में उस फ्लैट की विशेषता दर्शाने वाले शब्द यहां पर आप यूज कर दीजिए, जैसे अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड, न्यूली पेंटेड। अवेलेबल ए वेल फर्निश्ड न्यूली पेंटेड, यानी कि एक अच्छी तरह से सुसज्जित और हाल ही में पुताई किया हुआ फ्लैट, यानी कि फ्लैट उपलब्ध है। ऑफ यानी का, थ्री बेडरूम्स यानी कि तीन शयन कक्षों का, ए हॉल जिसके साथ एक हॉल भी है, एक कॉरिडोर जिसके साथ एक बरामदा भी है। अब इसके बाद में विद वर्ड का प्रयोग करना है आपको, विद वर्ड का प्रयोग करके अब अटैच्ड है सेपरेट और लेट बात की जिनके बारे में लिखना है। तो देखिए, एक अच्छी तरह से सुसज्जित हाल ही में पुताई किया हुआ तीन बेडरूम्स ए हॉल और एक कॉरिडोर यानी बरामदे का फ्लैट अवेलेबल यानी उपलब्ध है फॉर सेल यानी बेचे जाने के लिए। विद यानी जिसके साथ, सेपरेट यानी अलग अलग, जिसके साथ अलग अलग क्या है, लेट बाथ किचन। जिसके साथ अलग अलग क्या है बच्चों, लेट बाथ और किचन है। इसके अलावा एंड का प्रयोग करके, एंड 24 आवर्स और इसके अलावा 24 घंटे, वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई। जिसके अलावा क्या है बच्चों, 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति भी रहेगी। अब इसके बाद में एट का प्रयोग करके आपको प्लेस नेम बताना है, स्थान का नाम एट। अब यहां पर आप लिख देंगे जैसे कि एट मानसरोवर जयपुर, यानी कि ये जो फ्लैट है जिसको बेचना चाहते हैं कहां पर उपलब्ध है, मानसरोवर जयपुर में उपलब्ध है, एट मानसरोवर जयपुर वेद। अब वेद का प्रयोग करके अदर फैसिलिटीज के बारे में आपको इसमें लिखना है। वेद यहां पर हो जाएगा जैसे विद कार पार्किंग, जिसके साथ कार पार्किंग की सुविधा है, स्विमिंग पूल,
स्विमिंग पूल की सुविधा भी है। इसके अलावा ओपन स्पेस यानी खुला स्थान है इन फ्रंट ऑफ फ्लैट, यानी कि फ्लैट के सामने क्या है बच्चों, खुला स्थान भी है। इसके अलावा अगली विशेषता भी आप दर्शा दो, जैसे नियर टू मैन रोड, और ये जो फ्लैट है वो मुख्य सड़क के नजदीक है, तो ये सुविधा क्या है बहुत अच्छी होती है कि भाई मेन रोड के नजदीक है, आवागमन में दिक्कत नहीं होती, तो ये भी सुविधा देखते हैं कि सड़क के आसपास हो। इसके बाद में आपको इसमें क्या लिखना है, अदर फैसिलिटीज हो गई। अब अदर फैसिलिटीज के बारे में आपको बाद में आपको प्राइस के बारे में लिखना है इसमें, तो ये यहां तक हो गया। इसके बाद में आप लिखेंगे रेडी, यानी कि यह फ्लैट तैयार है, रेडी टू सेल यानी बेचे जाने के लिए, इन यानी में, ओनली मींस केवल, यानी कि यह फ्लैट रेडी टू सेल यानी कि बेचे जाने के लिए उपलब्ध है, इन ओनली यानी में केवल। अब रेडी फॉर सेल है यानी बेचना चाहते हैं तो इन ओनली, लेकिन अगर खरीदना चाहेंगे तो अप टू का प्रयोग करेंगे और फिर उसमें रेडी नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि रेडी फॉर, रेडी टू, अप टू, ऐसे नहीं, तो रेडी टू सेल इन ओनली, इस तरह से बेचना है तभी लिखना है, रेडी टू सेल इन ओनली। और कितने रुपए में बेचना है इसको, 30 लाख रुपए में, रेडी टू सेल इन ओनली 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए प्राइस हो गई। विद का प्रयोग करके, और यहां लिख देंगे विद यानी जिसके साथ, ऑल दी ओरिजिनल, सारे मूल, जिसके साथ सारे मूल डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात भी आपको मिलेंगे, जिसके साथ आपको सारे कागजात भी मिलेंगे। अब इसके नीचे यहां पर ये एक लाइन छोड़ करके आप यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्टेड यानी रुचिकर पर्सन्स यानी व्यक्ति, या पार्टीज यानी कोई भी दल, या पार्टीज अपन बोलते हैं ना, पार्टी आई है खरीदने, तो उसमें भी लोग ही होते हैं, तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति क्या कर सकता है, मे कॉन्टेक्ट यानी संपर्क कर सकता है, एट मींस पर यानी इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं, तो ये लाइन यहां नहीं छोड़नी बच्चों, या तो जस्ट नीचे लिख दो, लाइन यहां छूटेगी। और इसके नीचे आप लिख देंगे क्या, रिंग या फिर आप कॉल कर सकते हैं, एट मींस पर और प्लस 91 लगा के मोबाइल के शुरुआती 4 नंबर लिख के डैश का यूज कर देंगे और फिर ये बॉक्स बंद। तो इस तरह से ये विज्ञापन तैयार हो गया। तो आप यहां लिखेंगे इंटरेस्टेड पर्सन यानी रुचिकर व्यक्ति, मे कॉन्टेक्ट रेट यानी संपर्क कर सकते हैं पर, और पर लिख के आप यहां पर अपने फोन नंबर दे देंगे और अपना एड्रेस भी उसमें लिख सकते हैं। भाई उस जगह से तो आपको फ्लैट को बेचना है, तो मान लीजिए कोई दूसरी जगह का एड्रेस भी दे सकते हैं कि भाई मैं तो यहां रहता हूं और वहां बेच रहा हूं, या फिर आप जहां बेच रहे हो वो एड्रेस भी काम आ सकता है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से विज्ञापन तैयार हो गया सेल एंड परचेज में से फॉर सेल का, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा बच्चों अब आगे देखते हैं अपन साधन वाला विज्ञापन। अब जैसे देखिए, मान लीजिए राजेश कुमार नाम का पर्सन है, राजेश कुमार नाम का एक पर्सन है, तो ये क्या चाहता है, इसके पास देखिए बेटा एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट, डिजायर, यानी इसके पास देखिए बेटा मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर नाम की एक कार है,
इस कार को ये कैंडिडेट सेल करना चाहता है, यानी कि बेचना चाहता है। अब इसको बेचना चाहता है तो इसके संबंध में इसको क्या करना है, एक विज्ञापन निकालना है। यानी कि राजेश कुमार नाम का एक पर्सन है बेटा, तो ये अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार को बेचना चाहता है, तो इस संबंध में उसको एक विज्ञापन निकालना है। तो ये विज्ञापन कैसे बनेगा साधन बेचने का, तो इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, अब साधन बेचना है तो क्या होगा, फॉर सेल। अब फॉर सेल है तो इसका मतलब शुरुआत किससे करोगे आप, तो शुरुआत करेंगे अपन अवेलेबल वर्ड से। अब अवेलेबल वर्ड से शुरू कर देंगे इसको, देखिए अवेलेबल ए। अब अवेलेबल ए के बाद में आपको क्या लिखना है, उस साधन के बारे में लिखना है। साधन मतलब जैसे अवेलेबल ए, और यहाँ पर मॉडल नेम लिखना है आपको, तो ये मॉडल नेम आ गया मारुति सुजुकी, और यहाँ नाम आ गया इसका स्विफ्ट डिजायर। तो क्या हो गया, अवेलेबल है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर। इसके बाद इसका कलर बताना है, इन यहाँ बता दिया व्हाइट कलर, जो कि सफेद कलर में है, इन व्हाइट कलर आ गया। इसके बाद इसमें मॉडल नंबर बताना है, सॉरी पहले गैस किट के बारे में, विद जिसके साथ एसी एंड, जिसके साथ एसी एंड गैस किट, यानी कि गैस किट लगी हुई है, जिसके साथ एसी और गैस किट लगी हुई है। अब एसी और गैस किट के बाद में आपको किसका यूज करना है, इसमें यूज करना है आपको फिर मॉडल नंबर का, यानी कि मॉडल नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ये मॉडल नंबर, और हो गया जैसे इसको दे दिया अपन ने 2014, यानी जिसका मॉडल नंबर 2014 है, 2014 की खरीदी हुई है। अब इसके बाद आपको यूज करना है रनिंग किलोमीटर्स के बारे में, क्या बेटा अब तक कितने किलोमीटर चल चुकी है। अब आप अपनी कार खरीद बेच रहे हो बेटा, तो इसमें कंफर्म है कि आप मीटर देख के भी बता सकते हैं भाई इतने किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन जब खरीदेंगे तो अपन ये फिक्स नहीं कह सकते कि मुझे तो 49,900 किलोमीटर चली हुई कार चाहिए, तो ऐसे नहीं मिलेगी, उसमें अंदाजा देना पड़ेगा 49 से 60-70 हजार के बीच में चली हुई हो। तो यहाँ लिखेंगे हम आगे किस तरह से लिखा जाता है उसको, देखो रन यानी चली हुई है, ओनली यानी केवल 55,000 किलोमीटर, जो कि अभी तक 55,000, यानी 55,000 किलोमीटर, जो कि अब तक 55,000 किलोमीटर चली हुई है। फिर से विद का प्रयोग करना है, विद न्यू जिसके साथ नए, MRF टायर्स जिसके साथ नए MRF के टायर्स लगे हुए हैं। तो ये टायर्स के बारे में हो गया। अब इसकी कंडीशन, तो कंडीशन कैसे लिखनी है, इन यानी में है, इन ए वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन। और यह कार इन यानी में है, ए यानी एक वेरी डिसेंट बहुत ही अच्छा वर्किंग यानी कार्य करने की कंडीशन यानी स्थिति में, यानी कि यह कार इन्हें वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन यानी बहुत ही अच्छी चलने की स्थिति में है, तो यह भी आपको बताना है। अब इसके बाद में आपको लिखना है कि यह कार रेडी यानी तैयार है फॉर सेल यानी बेचे जाने के लिए, यह कार बेचे जाने के लिए उपलब्ध है।
अब बेचना है तो इन ऑनली का प्रयोग करेंगे, इन ऑनली 1 लाख, इन ऑनली 1,10,000 रुपीस, यानी कि यह कार 1,10,000 रुपए में बिकने के लिए तैयार है। विद यानी के साथ, किसके साथ, ऑल यानी सभी, द ओरिजिनल यानी मूल, और डॉक्यूमेंट्स यानी कागजातों के साथ, यानी कि यह है सारे मूल कागजातों के साथ 1,10,000 रुपए में बेचे जाने के लिए उपलब्ध है। इतना होने के बाद अपना विज्ञापन हो जाता है। एक बार वापस देखिए, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर अवेलेबल यानी उपलब्ध, फॉर सेल यानी बेचे जाने के लिए, जिसका कलर व्हाइट है, जिसके साथ एसी और गैस किट लगे हुए हैं, जिसका मॉडल नंबर 2014 है और जो अभी तक केवल 55,000 किलोमीटर चली हुई है, जिसके साथ नए MRF के टायर्स लगे हुए हैं, और ये कार इन ए वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन यानी बहुत ही अच्छा कार्य करने की स्थिति में है, तो यह कार रेडी फॉर सेल यानी बिकने के लिए तैयार है। इन ओनली कितने में, 1,10,000 रुपए में बिकने के लिए तैयार है, जिसके साथ आपको सारे मूल कागजात भी मिलेंगे। तो इतना होने के बाद अब आप यहाँ पर लिख दोगे जस्ट नीचे, सो इसलिए दोज पर्संस यानी कि ऐसे व्यक्ति यानी जो वांट मींस चाहते हैं, टू टेक या परचेज, कोई भी एक वर्ड का यूज कर दे, टेक यानी लेना, परचेज यानी खरीदना, इसलिए ऐसे व्यक्ति हु वांट टू परचेज, जो खरीदना चाहते हैं दिस कार यानी कि इस कार को, तो ऐसे लोग क्या करें, मे कॉन्टेक्ट यानी कि संपर्क कर सकते हैं, 8 मिनट्स पर, 2 बिंदी लगा के डैश लगा दो बेटा, 1 लाइन छोड़ के, और आप यहाँ पर देखो अपना खुद का एड्रेस लिख दोगे, तो यहाँ पर जैसे लिखा पढ़ने, जैसे प्लॉट नंबर 1, 2, 3 आनंद कॉलोनी दोसा, तो ये इस तरह से एड्रेस दे दिया, थोड़ा गैप देके और वर्ड लिख देंगे, और इसके जस्ट नीचे वाली लाइन से आप लिखेंगे, या फिर आप रिंग यानी कॉल कर सकते हैं 8 मिनट्स पर, और +9 लगा के शुरू के 4 नंबर लिख देंगे, और डैश लगा के फिर ये लाइन, चौथी लाइन भी आप कंप्लीट ड्रा कर देंगे, जिससे विज्ञापन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए ये साधन के ऊपर हो गया अपना विज्ञापन, बेचे जाने के लिए, फ्लैट के ऊपर हो गया बेचे जाने के लिए। अब खरीदना कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है, बस आपको कुछ चेंज करने पड़ते हैं, तो रेडी फॉर सेल वर्ड अड़ जाता है उसमें, और सीधा आप इसमें लिख देंगे अप टू, ठीक है ना। तो इसका भी एक एग्जांपल आपको बता देंगे परचेज का, तो आप इनको लिख लीजिए बेटा, हाँ। तो बेटा देखिए अब अपन परचेज का विज्ञापन बनाते हैं इसमें, तो परचेज वाले विज्ञापन में क्या है, परचेज मतलब खरीदना है, अब खरीदना है तो आपको इसमें बिल्कुल अलग तरीके से विज्ञापन बनाना होगा। अब खरीदना है तो देखिए बेटा, इसमें जैसे मान लीजिए वही विज्ञापन है, जैसे राजेश कुमार है, वो अभी इससे पिछले वाले विज्ञापन में अपनी मारुति डिजायर को बेचना चाहता था। अब उसी एग्जांपल को अपन ऐसे समझ लेते हैं कि राजेश कुमार एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार को खरीदना चाहता है। अब खरीदना चाहता है तो बेटा अपन हेडिंग इसमें फॉर सेल नहीं देंगे, फिर क्या देंगे, परचेज देंगे। तब ये विज्ञापन अपन तैयार करते हैं, वही मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर पे बना लेते हैं, बस फर्क ये रहेगा बेचना नहीं है, खरीदना है बेटा अपन को इसको, ठीक है। देखिए अब परचेज पे विज्ञापन बनाएंगे, तो परचेज पे विज्ञापन बनाने के लिए बेटा अपन को अवेलेबल नहीं, किस वर्ड का प्रयोग करना है, वांटेड का,
तो परचेज में हमें अवेलेबल के बजाय वांटेड वर्ड का यूज करना है। वांटेड मतलब आवश्यकता है। अब किसकी आवश्यकता है बेटा आपको इसमें? एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर की। तो वांटेड यानी आवश्यकता है, ए मीन से एक। अब यहां पर मॉडल नेम लिख देंगे, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, यानी कि एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर की आवश्यकता है। किसके लिए? परचेज यानी खरीदे जाने के लिए। इन इसके बाद में आप कलर लिख दोगे, तो कलर तो एक ही दे दो भाई, आपको जो कलर पसंद होगा उसी कलर में तो लोगे आप कार को, इन व्हाइट कलर। तो ये हो गया, मतलब एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर इन व्हाइट कलर यानी सफेद रंग में, वांटेड टू परचेज यानी खरीदे जाने की आवश्यकता है। इसके बाद आपको लिखना है इसमें विद यानी जिसके साथ, जिसके साथ कंडीशन आप दे देंगे इसमें एसी एंड गैस किट, जिसके साथ एसी और गैस किट का प्रयोग होना चाहिए या एसी या गैस किट उसमें लगे हुए होने चाहिए। अब आप आगे लिखेंगे इसमें मॉडल नंबर, यानी कि इस कार का जो मॉडल नंबर होगा, तो मॉडल नंबर देखिए 2014 से 2016 के बीच होना चाहिए। फिक्स मतलब एक साल के लिए कि 2014 का ही हो, तो 2014 से 16 के बीच में हो ये मॉडल नंबर होना चाहिए। इसके बाद किलोमीटर्स के बारे में लिखना है, तो जब बेचते हैं तो अपन लिखते हैं रन ओनली कितने किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि अपन मीटर देख लेते हैं, बेच रहे हैं तो अपनी कार है। अब इसमें अपन को पता है नहीं, अपन तो अखबार में निकाल रहे हैं, तो अंदाजा देना पड़ेगा कि भाई इतने किलोमीटर चली हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको, रन यानी जो चली हुई होनी चाहिए, अप टू यानी लगभग, अप टू यानी लगभग 50 to 70,000 किलोमीटर, जो कि 50 to 70,000 किलोमीटर चली हुई होनी चाहिए। यानी कि देखो रन ओनली के बजाय रन अप टू का प्रयोग किया जाएगा इसमें। इसके बाद टायर्स के बारे में बताना है, विद जिसके साथ, न्यू यानी नए। अब यहाँ पर टायर एक ही नहीं लिखना, ऑप्शन देना है MRF जैसे CA या अपोलो, जिसमें नए MRF CA या अपोलो में से किसी के भी टायर लगे हुए होने चाहिए। भाई अपन बेचेंगे बच्चों तो अपन को पता है कौन सा टायर लगा हुआ है, तो फिक्स बता देते हैं, लेकिन खरीदे तो अपन को ऑप्शन देने पड़ेंगे। अपनी वजह से ऐसे थोड़ी अपन MRF के टायर चाहते हैं चारों ही, तो कोई नए लगवाएगा बेचारा, खुद नुकसान क्यों करेगा खुद को। पढ़ते हैं इसमें, जिसके साथ नए MRF CAT अपोलो के टायर्स होने चाहिए। इसके बाद कंडीशन के बारे में लिखना है, इन ए वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन, जो कि बहुत अच्छी चलने की स्थिति में होनी चाहिए। जो कि बहुत अच्छी कार्य करने की या बहुत अच्छी चलने की स्थिति में होनी चाहिए। अप टू यानी के लगभग, अप टू मीन्स के लगभग, तो यहां पर लिख देंगे 1 lakh to 1 lakh 30,000 रुपीस, यानी कि जो कि अप टू यानी के लगभग चाहिए। किसके लगभग, कितने के लगभग, 1 lakh to 1 lakh 30,000 रुपए के लगभग, यानी इनके बीच में ऐसी कार चाहिए। विद यानी जिसके साथ, आल यानी सभी, क्या होने चाहिए सभी, ओरिजिनल यानी कि मूल, जिसके साथ सारे मूल डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात भी होने चाहिए, जिसके साथ सारे मूल कागजात भी होने चाहिए। तो यहाँ पर ये विज्ञापन पूरा हो गया बेटा। अब पूरा होने के बाद आप इसमें लिख देंगे, सो इसलिए दोज पर्संस
यानी कि ऐसे व्यक्ति, इसलिए ऐसे व्यक्ति who means जो, want means चाहते हैं, to sell यानी कि बेचना, this यानी इस, type यानी प्रकार की, car means car को, इसलिए ऐसे व्यक्ति who यानी जो, want means चाहते हैं, to sell यानी बेचना This type of car यानी इस प्रकार की कार को, तो ऐसे लोग क्या करें, make contact यानी संपर्क कर सकते हैं, eight means पर दो बिंदी लगा के डैश लगा देंगे और फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि आप तो खरीद रहे हो, अब जिसके पास ऐसी कार उपलब्ध होगी तो आपके एड्रेस पे और आपके फोन नंबर पे तो कॉन्टेक्ट करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा भाई ऐसी कार मेरे पास है, आप आकर के इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर खुद का एड्रेस लिख देंगे, जैसे खुद का एड्रेस लिख दिया, प्लॉट नंबर 123 और आगे लिखा आनंद कॉलोनी और कॉमा लगा के जगह का नाम, थोड़ा स्पेस देके और लिख देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, रिंग यानी कॉल कर सकते हैं, एट मींस पर प्लस 91 लगा के मोबाइल के शुरुआती चार नंबर और डैश डैश लगा के फिर ये चौथी लाइन आपको यहाँ कंप्लीट ड्रॉ करनी है और इस प्रकार से आपका ये परचेज वाला विज्ञापन भी हो गया। तो इस तरह से अपना सेल एंड परचेज ये टॉपिक खत्म होता है। यहाँ पे आप बच्चे इनको पढ़ के अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया कीजिए। अभी आप भी जानते हैं कि इस कोरोना के दौर में समस्याएं चल रही है, पता नहीं स्कूलें कब खुले, तो और स्कूलों में अभी खुल भी जाएंगी तो रिस्क बहुत रहेगी, तो इसलिए मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि आप घर पर ही बैठकर कुछ दिनों के लिए तैयारी अपनी सुचारू रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए 1 अगस्त से भी स्कूल खुल जाती है तो आप जानते हैं कोई 1 अगस्त को कोरोना का कोई कहर तो खत्म होने वाला नहीं है, तो क्या पता है डेट भी आगे बढ़ती रहे, तो अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ नए लेटेस्ट वीडियोस रिसीव करने के लिए जुड़े रहें। लिख लीजिए सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, उसमें भी सब कुछ अच्छा दिख जाता है, या फिर आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं, पर मेरा मानना है साथ के साथ नोट करने के बजाय समझने में ज्यादा ध्यान दें आप, क्योंकि मैं एक एक शब्द समझा रहा हूँ आपको, लिखोगे साथ के साथ तो पूरा समझ में नहीं आएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आराम से लिख लो आप, लेकिन पहले समझने पे पूरा फोकस किया करो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मेरा कहना यह है कि शुरू के जो शब्द बताते हैं एडजेक्टिव्स एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड, आप उनको अच्छी तरह से दिमाग में उतार लेंगे तो फिर ये विज्ञापन बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। अब इसके बाद में आपके विज्ञापन आता है, देखिए बेटा एजुकेशनल, एजुकेशनल क्या होता है, शैक्षणिक होता है। अब शैक्षणिक विज्ञापन में क्या होता है बेटा, रिमाइंड करवाता हूँ आपको, वैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो शैक्षणिक विज्ञापन क्या होता है, शैक्षणिक विज्ञापन में बेटा मतलब किसी भी संस्थान के द्वारा अपने संस्थान में कोई भी जैसे नया कोर्स चल रहा है, अब उस नए कोर्स में आप जानते हो हर साल जुलाई में न्यू एडमिशन शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, अब न्यू एडमिशन शुरू हो जाते हैं तो न्यू एडमिशन संस्था वाले मना थोड़ी करते हैं, उनको लेते हैं नए एडमिशन को, और नए एडमिशन आप जानते हो एडमिशन अलग अलग स्ट्रीम में होते हैं, जैसे आर्ट्स में कॉमर्स साइंस एग्रीकल्चर अलग अलग होते हैं स्ट्रीम्स, तो उस टाइम पे अलग अलग स्कूल कॉलेज या जो भी शैक्षणिक संस्थान है उनके द्वारा अपने संस्थान में जो भी कोर्स चल रहे हैं उन कोर्सेज में नए विद्यार्थियों के नए एडमिशन लेने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन निकाले जाते हैं। तो इनमें आपको क्या है, वो जो संस्था वाला होता है तो वो उसमें देखिए कोर्स डिटेल्स, कोर्स की फीस, कोर्स की अवधि, कब से फॉर्म मिलना शुरू होंगे, कब तक फॉर्म मिलेंगे, कितने रुपए देकर फॉर्म मिलेंगे, फीस कब तक जमा करवानी है, मतलब
लास्ट डेट कब तक रहेगी? अगर लास्ट डेट तक जमा नहीं करवा पाते हैं फीस, तो फिर लेट फीस क्या रहेगी? तो ये सब कुछ बताते हुए एजुकेशनल विज्ञापन तैयार होता है। उसमें सिर्फ एक ही हेडिंग का यूज किया जाता है, एडमिशन ओपन। इन विज्ञापनों की तरह दो हेडिंग्स नहीं होती उसमें, उसमें सिर्फ एक होती है। एक ही प्रकार से वो विज्ञापन बनता है। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में अपन एजुकेशनल रिलेटेड विज्ञापन के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए आप इनको तैयार कीजिए, पढ़िए। जय श्री राधे कृष्णा।